चित्रकूट क्षेत्र के मजगवा थाना अंतर्गत ग्राम पत्नी में एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां नाबालिग किशोरी की हत्या कर दी गई और हत्या को आत्महत्या का रूप दे दिया गया। दरअसल किशोरी को पड़ोस के एक युवक से प्रेम था और दोनों को किशोरी के परिजन ने प्रेम आलाप करते रंगे हाथों पकड़ा। घटना के महज 12 घंटे बाद किशोरी की लाश घर के पास ही एक पेड़ में फांसी के फंदे पर लटकती मिली थी, जिसे परिजन डांट के बाद आत्महत्या करार दे रहे हैं और पुलिस भी प्रथम दृष्टया आत्महत्या मानकर जांच कर रही थी, मगर पीएम रिपोर्ट में गला घोटकर हत्या का खुलासा हुआ, जिसके बाद पुलिस के शक की सुई पिता की तरफ घूमी और प्रेम प्रसंग से नाराज पिता ने ही अपनी बेटी के कातिल होने का राज खोल दिया। उसके बाद पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मझगवा थाना क्षेत्र के पटनी गांव में शनिवार सुबह 17 वर्षीय नाबालिग लड़की की लाश घर के पास ही एक पेड़ पर लटकती मिली। परिजनों के मुताबिक युवती द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई थी और जो कहानी बताई गई उस पर पुलिस को भी विश्वास हो गया। परिजनों के मुताबिक शुक्रवार शाम को युवती घर में अकेली थी और जब परिजन घर वापस लौटे तो युवती और पड़ोस के युवक आपत्तिजनक हालत में घर के अंदर एक कमरे में मिले। दोनों प्रेमालाप में थे, जिसे युवती की मां ने देख लिया और दोनों को जमकर फटकार लगाई, जिसके बाद नाबालिग युवक भाग निकला और फिर सुबह युवती की लाश पेड़ से लटकती मिली। मृतका की मां की माने तो युवती ने माता पिता की डांट से आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलने के बाद परिवार में कोहराम मच गया और थाना मझगवा पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा शव का पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम हाउस भेजा गया, जहां डॉक्टरों की टीम ने पीएम किया। पुलिस ने युवती द्वारा आत्महत्या करने की बात मानकर जांच शुरू की, मगर पीएम रिपोर्ट में मौत की वजह गला घोटकर हत्या आई, जिसके बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की और शक के आधार पर पिता रमेश को हिरासत में लिया। कड़ाई से पूछताछ करने पर कातिल पिता ने बेटी की हत्या को कबूला और शुक्रवार को ही पिता ने बेटी को पहले लात घूसों से पीटा, जिसके बाद लड़की जान बचाकर भागी। लड़की के पीछे पीछे पहुंचे पिता द्वारा खेत में अपनी ही बेटी को रस्सियों से गला घोट दिया और आत्महत्या का रूप दे दिया। कातिल पिता को आज न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। अर्चना मवासी, वो लड़का के नाम संजय, उसको पिता का नाम शंभू। वो लड़का ने मोरी लड़की के गाल में चूभा रहा, वो लड़का की पकड़ के मैं दुई रहपड़ मारे हूँ, तो लड़का ने मुझे झिटकार करके भागा है, तो मैं लड़का की अपने छोट बच्चा के पिता को ढूंढने चली गई, ताले इतने बीच में लड़की के हाथ पकड़ के ले गई है लड़का संजय नाम के लड़का। तो संजय ने फांसी में जूझने के लिए उसको मजबूर किया कि अपने आप फांसी लगा ली? अब सर मैं वहाँ खेत में गए तो सर वो लटकी थी पाए वहाँ खेत में, वहीं में जूझ गए। अर्चना मवासी निवासी ग्राम पटनी थाना मझगवा अंतर्गत दिनांक 5/11 को लल्लू मवासी जो मृतिका का दादा है उसके द्वारा थाने में सूचना दी गई थी कि मेरी नातिन द्वारा दुपट्टे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई है, जिसके संबंध में पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई करके पीएम के लिए डॉक्टर को दे दिया था और डॉक्टर से कहा था कि जो भी सुसंगत तथ्य उनकी जानकारी में आते हैं उनसे अवगत कराएं। डॉक्टर द्वारा पीएम रिपोर्ट में अवगत कराया गया है कि जो मृतिका अर्चना मवासी है उसकी मृत्यु फांसी लगाने से नहीं बल्कि गला दबाने से हुई है, गला के साथ मुंह दबाने से हुई जी। तो इस आधार पर हमने उक्त मामले में और अधिक विवेचना की और ये पाया कि यह हत्या जो है उसके बाप ने ही शराब के नशे में अपनी लड़की को, एक 20 साल का लड़का जिसका नाम संजय कोल है, उसको प्रेम प्रसंग के संदेह में उसकी अपनी लड़की की हत्या जो है वो गला एवं मुँह दबा कर की है। तो मामले में मृतिका अर्चना मवासी के पिता रमेश मवासी निवासी पटनी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। माननीय न्यायालय ने न्यायिक अभिरक्षा में आरोपी को भेज दिया गया।